जैन दोस्तों, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, ट्रक के ऊपर क्या लोड दे लेंगे आपको कुछ कह नहीं सकते। एक अलग ही किस्म की गाड़ी ये घाट पास करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे नहीं पता गाड़ी कौन सी है, किस कंपनी की है और क्या लोड है, लेकिन बहुत ही अजीब गाड़ी है देखिए, और बहुत लोडेड है। इतने धीरे से आ रही है, क्या बताओ आपको। तो इस गाड़ी को शूट करने की कोशिश करेंगे हम इस घाट में, और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी लगभग आदमी जब पैदल चलता है 4 या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस स्पीड से आ गाड़ी आ रही है देखिए। और गाड़ी के बारे में पता नहीं मेरे, मुझे कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं। आगे आके जब नज़दीक आएंगी तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसके बारे में कुछ डिटेल्स में आपको बता सके, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा है। कौन सा गियर है, क्या गियर है, ये ट्रक मेरे सब्जेक्ट से अलग किस्म की गाड़ी है, क्या करें अभी। तो जितने मेरी समझ है उस हिसाब से मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ऐसी बात है। अभी इस गाड़ी के लिए पहला गियर चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये गाड़ी पहली चढ़ान से नीचे ही स्पेशल डाल दिया शायद उन्होंने, अब क्या करें। मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत ना बताऊँ, कि जिस चीज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है उसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो में आप सुनिए कम और देखिए ज़्यादा, और अपना अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस वीडियो में, ऐसी बात है। ये टायर की साइज़ ट्रक के टायर से बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, और मेरे ख्याल से ये कोई क्रेन टाइप गाड़ी, क्रेन मतलब जो अगर कोई वेटेड वस्तु गाड़ियाँ खाई में गिरती है तो उठाने के लिए जो क्रेन लगता है ऊपर लाने के लिए, इस टाइप की मुझे लगती है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिए प्लीज़। दूसरी बात, पासिंग ये महाराष्ट्र का लग रहा है, MH 43, टायर बहुत बड़े बड़े हैं आपको बताऊँ, और ड्राइवर कहाँ बैठे ये भी मुझे मालूम नहीं। दो जगह है ड्राइवर को बैठने की, एक पीछे है यहाँ और एक आगे है, मेरे ख्याल से आगे ही होंगे, रास्तों के बिल्कुल बीचों बीच। और इस व्हीकल के आगे दूसरी गाड़ियाँ बिल्कुल छोटी दिख रही है, आप देख सकते हैं। अजीब किस्म की गाड़ी, ड्राइवर भाई साहब बिल्कुल 40-50 साल के तजुर्बेकार उठा रहे गाड़ी को, बहुत बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं देखिए आप। लेकिन ये चढ़ान सेकंड वाली भी मुश्किल, बिल्कुल इजी तरीके से पास करे, शायद इसका जो इंजन है उसकी पावर 250 एचपी से ज़्यादा होंगी ऐसा मुझे लगता है। ये गाड़ी पूरे 50 टन की ट्रक एक खाई में से ऊपर ला सकती है ऐसा मुझे लगता है। पीछे के पहिए देखिए आप, बहुत बड़े पहिए हैं साधारण ट्रक से, ऐसी बात है। बहुत ही धीमे चल रही है गाड़ी, 3 या 4 के स्पीड से सिर्फ, उसके साथ आदमी भी चल सकता है ऐसी बात है। रॉयल रिक्का है, और किसी टाटा लेलैंड अपने भारत के जो ब्रांड है हिंदुस्तान के, आइशर और भारत बेंच, AMW, महिंद्रा, ये किसी का भी यह लोगों ने, ये अलग ही किस्म की मशीन है, और मुझे लगता है ये शायद इम्पोर्टेड मशीन है। हमारे सब्सक्राइबर वीडियो देखने वाले बहुत जानकार और मुझसे भी ज़्यादा समझदार और बहुत बढ़िया लोग है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये मशीन किस कंपनी की है प्लीज़, ऐसी बात है, कि मुझे नॉलेज नहीं तो मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी बात है। और
कुछ गलत बताने के बताने से अच्छा है कि कुछ ना बताए, लेकिन ये गाड़ी ये मशीन अच्छी तरह से घाट से पास हो गई है इस पॉइंट से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।